भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। इस समय मौजूद है हम मुमरा के फायर ब्रिगेड पर। आपको बता दें कि एनसीपी की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है बेमुद्दा धरना आंदोलन, अनधिकृत बांध काम बंद करो और मुमरा कौसा को पानी दो। मुमरा कौसा में जिस तरह से पानी की समस्या काफ़ी दिनों से देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का ऐसा कहना है कि जो इलीगल तरीके से बांध काम किया जा रहा है उसके वजह से ये पानी की समस्या शहर में पैदा हो रही है। शाकिर भाई, क्या बताएंगे आप पानी की किल्लत और अवैध बांध काम को लेकर यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। धरना आंदोलन जो हमने किया है, आज लगभग 2022 से हम ठाणे महानगर पालिका से जो है पानी की समस्या को लेकर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। पत्र व्यवहार करते ही हमको आश्वासन मिलता गया कि दो दिन में, चार दिन में, आठ दिन में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। अभी हमने वॉशआउट किया, अभी हमने लाइन जो लीकेज था हमने बंद किया। सब कुछ करते करते हमको पूरा साल निकला, उसके बाद भी पानी की समस्या और दिन ब कम तो नहीं हुआ, लेकिन पानी की समस्या दिन ब दिन और बढ़ती गई। पानी की समस्या बढ़ने की वजह से फिर हमने लास्ट जो है दो महीना पहले हमने फिर थाने कमिश्नर को पत्र व्यवहार किया, हमने उनसे मीटिंग की। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो संबंधित अधिकारी से आपकी मीटिंग रखेंगे और मीटिंग फिर उसके बाद में आपकी पानी की समस्या को जो है दूर किया जाएगा। हमको मीटिंग रखी गई, हमको उस मीटिंग में बुलाया गया, हमने हमारे सारी मांग जो पानी की समस्या थी, जैसे रीमॉडलिंग के अंदर जैसे हमने बात को पहले रखा कि अलमास कॉलोनी के अंदर सुबह का 4 से 6:30 का टाइमिंग का जो पानी है वो हमको सही तरीके से नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो है अलमास कॉलोनी के अंदर जो है मोतीबाग, सनीनगर, शामिम, इस एरिया में जो पानी की किल्लत काफ़ी सालों से है और उस पर वो भी हमको अभी तक नहीं हुआ है। हमने 350 की लाइन जो है शंकर मंदिर से अलमास कॉलोनी में डाली है, वो लाइन को अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है आखिर शुरू ना होने की, वजह क्या बताया जा रहा है, मनपा प्रशासन क्या बता रही है? बातों की मांग को जब हमने पानी पुरवठा विभाग के अधिकारी के सामने रखा तो उन्होंने हमको डायरेक्टली एक ऐसा जवाब दे दिया जिससे हम खुद एकदम शॉक्ड हो गए और चौकन्ना हो गए। बोले सर क्या करेंगे, मुमरा दीवा के अंदर बोले कि इनलीगल बांधकाम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना बांधकाम हो गया सर कि जिसके ऊपर इनलीगल टाइपिंग हो रही है, हम बार बार इनलीगल टाइपिंग को कार्रवाई करते हैं, इनलीगल टाइपिंग को हम उसके ऊपर वहाँ से हटा मेन लाइन पे से हटा देते हैं, उसके बाद भी जो है वो फिर से इनलीगल टाइपिंग हो जाती है, वो लोग लाइन चोरी करते हैं और वॉल अपने खुद ही ऑपरेट, खुद ही चाबी लगे। तमाम इलीगल बांध काम के जो है तस्वीर पीछे लगाए, दरअसल इसमें शिलफाटा तक जो है दिखाई दे रहा है, शिलफाटा एरिया के है, भोलेनाथ नगर के है, उसमें मुमरा भी है। और ये फोटो पानी की किल्लत के लिए आप आंदोलन पर बैठे तो कहाँ कहाँ की पानी किल्लत, मुमरा कौसा या फिर भोलेनाथ नगर शिलफाटा तक? नहीं नहीं सर, मैं पानी की किल्लत का जो काम है मुमरा और कौसा, मैं मुमरा और कौसा शहर की बात करूँगा और वहाँ पर जो है शील एरिया क्या पानी की किल्लत है या नहीं है उसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर है कि वहाँ पर इनलीगल बांधकाम जो है धड़ल्ले से चल रहा है और वहाँ पर इनलीगल टाइपिंग चोरी की लाइन जो है काफ़ी ली जा रही है, जिसकी वजह से जो है मुमरा कौसा की आवाम जो है पानी की समस्या से दो चार हो रही है। तस्वीरें भी कुछ आपके हाथ में, कहाँ के हैं ये? ये सारी तस्वीर जो है मुमरा दीवा प्रभाग समिति, जिसके अंदर मुमरा भी है, कौसा भी है, खरडी रोड है, खान कंपाउंड है, आचार गली है, शिलफाटा है, सारी एरिया की फ़ोटो है जो हमने खुद जाकर हमने देखी है कि जब पानी पुरवठा विभाग ने हमको ये जवाब दिया कि इनलीगल काम जो है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी रफ्तारी से जो है बढ़ रहा है और पानी की तकलीफ़ हो रही है, तो हमने जब जाके वहाँ की जब फ़ोटो और सबकी जाके तस्वीरें निकाली तो वाकई में
दीवा प्रभाग समिति भूमर प्रभाग समिति में इन निगल बांधकाम का सैलाब आया हुआ है। सैलाब लोगों शहर के लोगों का ऐसा भी कहना है कि एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के तरफ से भी अवैध बांध काम बनाए जा रहे हैं शहर में। देखिए लोगों का काम है कहना, लोग इल्ज़ाम लगाते जाएंगे। इल्ज़ाम लगाना किसी पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इल्ज़ाम तो लोगों ने तो नरेंद्र मोदी पर भी लगाए हैं कि चौकीदार चोर है, तो इल्ज़ाम तो लगते रह गए। लोगों का लोग बोलेंगे और लोगों का काम है बोलना। इसके पहले पानी के रिमॉडलिंग का जो काम था वो भी शुरू किया गया था, लेकिन कुछ आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया। करीब करीब 200 करोड़ रुपए तक आए थे उसमें। तो इसके संदर्भ में भी आपने कुछ मनपा से पत्र व्यवहार किया था और विधायक जितेंद्र नवाड भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि रिमॉडलिंग के तहत पानी की किल्लत जो है मुमरा शहर में नहीं रहेगी। और आज ऐसे हालात है कि उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नगर सेवक आप लोग हो और हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है पानी के। सर ये बात तो इसमें ये बात की आपकी सच्चाई है, रिमॉडलिंग में 220 करोड़ का फंड ठाणे महानगर पालिका से आया था। उसके बाद जो है जब बॉडी महानगर पालिका की जो बॉडी डिसॉल्व नहीं हुई थी, तो उस वक्त हमने बार बार हमारे एनसीपी के सारे नगर सेवकों ने, एवन अपोजिशन अशरफ शानू पठान ने महासभा के अंदर ये पानी के मुद्दे को और रिमॉडलिंग के मुद्दे को उठाया था, महासभा को बंद भी करवाया था। उस वक्त हमको ये आश्वासन दिया गया था कि अभी कॉरपोरेशन के पास जो फंड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जैसे ही कॉरपोरेशन के पास में फंड आ जाएगा, कॉरपोरेशन जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को जो है पेमेंट करके रिमॉडलिंग का काम शुरू कर देगी। सुबह से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कोई मनपा अधिकारी आपसे अभी मुलाकात करने आया कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? मनपा का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है, और हम भी जब तक मनपा अधिकारी यहाँ पर आकर मीडिया के सामने तब तक प्रेस नोट करके अगर मीडिया में नहीं बोलते हैं, तब तक हम यहाँ पर जो है बेमुनकर धरना आंदोलन पर बैठे रहेंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है कि इलीगल बांध काम की वजह से कहीं ना कहीं पानी की किल्लत हो रही है, और सुबह से ही इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। अभी तक कोई भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी इनसे मुलाकात करने नहीं पहुँचा है। बहरहाल पानी और इलीगल बांध काम को लेकर यहाँ प्रदर्शन जारी है। देखने वाली बात यह है कि क्या इनकी मांगें पूरी होती हैं, मनपा प्रशासन के अधिकारी इनसे मुलाकात करके इन्हें क्या आश्वासन देते हैं।